हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज एक क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th एक्सरसाइज 20 का आई बुक फॉलो करें आरएस अग्रवाल। टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों इससे पहले हम जितना भी क्वेश्चन है ऑलरेडी करा चुके हैं एक्सरसाइज 20 का ए से लेकर के एच तक। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है, अगर वीडियो नहीं मिल रहा है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जहां आप ज्वाइन कीजिए और हर एक चीज उस पर अपडेट डेली होता रहेगा आपका, ठीक है ना। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस वन एंड दिस वन। दो लाइन के बीच का क्या निकालना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। यहां लिखो सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे इधर सॉल्यूशन। ये रहा लाइन वन, लाइन वन कितना दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इसका नाम दो इक्वेशन फर्स्ट। अब लाइन टू, दूसरा वाला लाइन कितना है, x इज इक्वल टू कितना 2y माइनस 7। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x ठीक है इसको इधर ले आओ माइनस 2y, इधर माइनस 7। ये रहा इक्वेशन सेकेंड। क्या निकालना है आपको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है यही निकालना है, ठीक है ना। तो लेट हमने माना इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। इस दोनों को इसको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा वही क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। आ जाओ तो यहाँ लिखो फ्रॉम लाइन वन एंड लाइन टू, फ्रॉम लाइन वन छोड़ दो, इक्वेशन वन एंड टू। तो फर्स्ट क्या है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और सेकेंड है आपका एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 7। चलो इसको कितना से, इसको कितना से, बोलो बोलो। यहाँ वन से और यहाँ हम फोर से कर दें तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। फोर से सब में मल्टीप्लाई होगा तो 4x माइनस 8y और माइनस 28। ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये कट गया प्लस 8 और प्लस 3 तो प्लस 11y। यहाँ हुआ कितना प्लस 28 और प्लस कितना इधर से 5 तो 33। ये कैंसिल आउट 3 टाइम में, तो y का वैल्यू कितना निकला, y बराबर निकला इधर से 3, y निकल गया। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कीजिए, आ जाओ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, जिसमें पुट करना है पुट करो। तो यहाँ फर्स्ट में करते हैं तो ये रहा 4x प्लस कितना है 3 इंटू y है, y की जगह क्या पुट करेंगे हम 3, तो 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से 4x ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, ये रहा 5। तो 4x इज इक्वल टू 5, 9 इस साइड गया तो माइनस 9, तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4, कट गया x का वैल्यू कितना निकला माइनस 1। और यही x और y क्या देगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट देगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स इज इक्वल टू कितना, p माने हैं x कॉमा वाई, तो x का वैल्यू माइनस 1, तो x y का है लिखेंगे हम माइनस 1 और कॉमा कितना इधर से, y का वैल्यू 3, यही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द लाइंस दिस वन एंड दिस वन इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 2,3। मतलब इस दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो 2,3 आएगा, ठीक है ना। तो आ जा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए हमने यहाँ सॉल्यूशन लिखा, लाइन वन और लाइन टू दोनों लिख लिया, इसका नाम दिए फर्स्ट, इसका नाम दिए सेकंड। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को, एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा वही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है ना। तो अब आ जाओ यहाँ कितना है, एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 23 और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। इसको कितना से 5 से, इसको कितना 1 से करना पड़ेगा, तो 5 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 5x, इसको करोगे 7 से तो 35y, इसको करोगे तो कितना होगा 5 3 15 5 2 10 1 11 115। इधर कितना सबको 1 से करना पड़ेगा 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, माइनस 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 कट गया, यहाँ 35 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 33 बचेगा, इसमें से क्या है 115 में से 16 को घटाओ तो यहाँ 15 यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में से एक गया कितना बचेगा 9, तो 33। तो y का वैल्यू कितना निकला 33, y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू कितना 3 इन इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट यही है, तो यहाँ x प्लस कितना 7 इंटू वाई, वाई के जगह पर 3 इज क्वस टू 23, तो x प्लस कितना 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 21, ये रहा 23, x इज क्वस टू कितना 23, 21 उस साइड जाएगा तो माइनस 21, 21 इज क्वस टू कितना हो जाएगा, सॉरी x इज क्वस टू 21, सॉरी 23 में से 21 गया तो 2 बचेगा, तो यही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हो गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, 2 और 3 आ रहा है, तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे, hence intersecting point is equals to कितना 2, 3, और यही तो आपके पास प्रूव करने के लिए बोल रहा था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इतना आएगा, 2, 3 आ रहा है, यही प्रूव हो गया, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों थर्ड नंबर है, शो दैट द लाइन्स दिस वन एंड दिस वन, तीन लाइन दिया गया है, कहता है दिखाई कि यह कंकरेंट है। क्या है, यहाँ पर नया वर्ड आ गया कंकरेंट, तो कंकरेंट मतलब समझो, मतलब दो पॉइंट्स, कंकरेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा, तो यहाँ पर क्या है तीनों लाइन क्या है एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, देखो पहले क्या करो, लाइन वन और लाइन टू को सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकाल लो, और उस एक्स और वाई का मान लाइन थर्ड में पुट करेंगे, अगर सेटिस्फाइड कर गया तो तीनों लाइन क्या होगा कंकरेंट होगा, मतलब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है ना। आ जाओ यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, तो कंकरेंट का क्या प्रॉब्लम था, कंकरेंट मतलब क्या होता, समझ में आ गया कि तीन लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। गिवन क्या है आपके पास, यहां है लाइन वन, लाइन वन कितना 3x माइनस 4y अब प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो 3x माइनस 4y, 5 को इस साइड ले जाओगे तो माइनस 5, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। चलो लाइन टू कितना है, लाइन टू बोलो कितना है, 7x माइनस 8y, तो 7x माइनस 8y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 5, ये रहा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। आ जाओ लास्ट वाला क्या है आपका, लाइन थ्री, तो लाइन थर्ड है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 45, ठीक है ना, इसका नाम दो इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आ जाओ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब समझो, यहाँ पर एक और दो को सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई का मान निकलेगा, इक्वेशन थर्ड में देंगे, अगर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो तीनों लाइन क्या होगा कंकरेंट होगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 5, और सेकेंड क्या है 7x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 5, इसको कितना से इसको कितना से, इसको 7 से इसको 3 से, तो 7 से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ कितना हो जाएगा 21x, इधर कितना हो जाएगा माइनस 28y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 7 माइनस 35, ठीक है। नीचे वाले को 3 से सबसे करो तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 21x माइनस कितना हो जाएगा इधर से 24y, इसको टू कितना होगा माइनस 15, ठीक है। चलो माइनस करोगे यहाँ पर, ये माइनस ये प्लस ये भी प्लस, ये कट गया, यहाँ माइनस 28 और प्लस 24 कितना हो जाएगा माइनस 4y, यहाँ हुआ इसको इसको 35 में से 15 को माइनस करोगे तो 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, ये माइनस में माइनस माइनस काट दो, 4 से ये कट गया, यहाँ 5 बचा, तो y इज इक्वल टू कितना निकला 5, y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y है यहाँ, तो y की जगह कितना हम 5 रखेंगे, बराबर कितना यहाँ माइनस 5, तो 3x यहाँ कितना होगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 इज इक्वल टू माइनस 5, यहाँ माइनस 5 इधर आ जाएगा तो प्लस 20, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, ये कैंसिल आउट 5 टाइम में, तो x बराबर कितना निकलेगा यहाँ से 5, x निकला और y निकल गया, और ये x और y क्या होगा आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालना है, तो यहाँ पर से क्या लिखेंगे, हेंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, बोलो ना x का वैल्यू 5 y का वैल्यू भी 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब
क्या करो, x और y का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। तो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू कितना 5 एंड y इक्वल्स टू कितना 5 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है आपके पास, यहां देखो 4x, तो यहां लिखेंगे 4x, x की जगह पर 5 प्लस कितना 5y, तो 5 इंटू 5 i इक्वल्स टू 45 है। यहाँ कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे 20, यहाँ 25 इज इक्वल टू कितना 45, ये कितना 20 प्लस 25 कितना होगा, ये रहा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं, ये कर गया सेटिस्फाइड, ये क्या कर गया सेटिस्फाइड। तो एक आंसर आपका ये होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के लिए, और ये प्रूव्ड हो गया। तो क्या लिखेंगे हैं? मतलब यहाँ पर से लिखेंगे लाइन्स आर क्या कंकरेंट, कंकरेंट्स, यही प्रूव करना था। गिवन लाइंस क्या था आपका, कंकरेंट है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जो फोर नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द लाइंस दिस वन एंड दिस वन आर कंकरेंट। मतलब तीनों लाइन क्या है, कंकरेंट है। तो कंकरेंट होने के लिए सबसे पहले बात, एक मिनट, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो के का वैल्यू निकालना है, जबकि ये लाइन क्या है, कंकरेंट है। तो लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री आपका दिया हुआ है। तो लाइन वन कितना है, ये वाला 3x - y - 2, तो 3x - y - 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो लाइन टू कितना दिया हुआ है, 5x + ky - 3, यहां लिखिए 5x + ky - 3 इज इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन टू, ठीक है ना। लाइन थ्री ये दिया हुआ है, तो 2x + y - 3 इज इक्वल टू 0, ये रहा इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन कहता है कि यह तीनों लाइन कंकरेंट है, तो k का वैल्यू निकालिए। अब सुनो, तो फर्स्ट और थर्ड से क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे और सेकेंड में पुट कर देंगे, निकल जाएगा k, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड को ही सॉल्व करें, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करोगे ना तो आपको देखो x और y का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर k क्या है, अननोन वैल्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलो, तो यहां देखो, यहां माइनस वाई और यहां प्लस वाई है, तो फर्स्ट और थर्ड को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस थर्ड कर दिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड दोनों को ऐड कर दिए। तो यहां है 3x - y - 2, प्लस इसको ऐड करो 2x + y - 3 बराबर 0, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 3x + 2x कितना हो गया 5x, यहां -2 और -2, तो -5 = 0, तो 5x = 5, ये कैंसिल आउट, x बराबर कितना निकला 1, x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ये रहा पुट, x इक्वल्स टू कितना 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है 3 × x, x की जगह 1, -y - 2 = 0, तो 3 - y - 2 = 0, 3 - 2 कितना हो जाएगा +1, कितना जाएगा +1, -y = 0, तो -y इस 1 को इधर ले जाओगे, -1 कट गया, तो y = कितना निकला 1, x और y का वैल्यू निकला, x और y का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, यहाँ लिखो पुट x = कितना 1 एंड y = कितना 1 इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है 5x, तो 5x x के जगह पर 1, प्लस ky, तो k इंटू कितना 1, -3 = 0, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 1 = 5, k इंटू 1 तो k, अब -3 = 0, तो 5 - 3 तो 2, प्लस k इक्वल टू 0, तो k बराबर कितना 2 इधर जाएगा, तो -2, तो फाइनल आंसर यही हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चों फाइव नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, क्या कहता है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द लाइन। ध्यान से सुनो, हम यहाँ खड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ खड़ा है वो क्या हो गया हमारा लाइन, ठीक है ना, और ये सर क्या हो गया पॉइंट P, ठीक है ना। मान लो नीचे शीशा रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है, मीरा रखा हुआ, तो इमेज मेरा क्या बनेगा, नीचे बनेगा, तो फुट मतलब क्या जूता क्या बनेगा हमारा, मिड पॉइंट बनेगा, पक्का श्योर है, क्योंकि यहां से यहां तक जो दूरी होगा वही दूरी नीचे इमेज भी बनाएगा उतना ही डिस्टेंस का, तो मतलब क्या हो गया कि फुट हमारा क्या हो गया, फुट क्या हो गया मिड पॉइंट।
तो पहले आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर सर का इमेज निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया? चलो इधर यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन। गिवेन पॉइंट कितना दिया हुआ है, P1, 2, और लाइन कितना दिया हुआ है, x-3y+4=0। ठीक है ना, इसको समझो ऐसे। यहाँ एक लाइन हो गया ए बी, ठीक है ना, इस लाइन को हमने ए बी माना। यहाँ कोई पॉइंट पी है तो 1, 2, इसका पॉइंट पी का इमेज क्या बनाएगा, नीचे बनाएगा। हमने यहाँ माना एफ और यहाँ बना क्यू, हमने माना अल्फा कॉमा बीटा, ये क्या हो जाएगा इमेज, ये क्या हो जाएगा इमेज, किसका इमेज, देखो यहाँ शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, तो पी का इमेज नीचे बनेगा। एफ क्या हो जाएगा, फुट, एफ क्या हो जाएगा, फुट, ये हो जाएगा फुट। इसका कोऑर्डिनेट माना हमने x, y, ठीक है ना। तो लेट हमने क्या माना, यही चीज है, देखो एक बार फिर से कंपेयर कर लो। देखो इधर, देखो इधर सर का कोऑर्डिनेट कौन सा, पी, पी क्या हो गया सर, एफ क्या हो गया जूता, ठीक है ना, और क्यू क्या हो गया नीचे वाला इमेज, समझ में आ रहा है। तो एफ, एफ मतलब कौन सा, जूता, जो शूज है वो क्या बनेगा, मिड पॉइंट बनेगा। मतलब आपको क्या चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, ये ए बी को क्या करता है, पी एफ क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेंगे, निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपके पास एक ही लाइन दिया हुआ है, दूसरा लाइन चाहिए तभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा। तो दूसरा लाइन के लिए क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा, पी एफ परपेंडिकुलर ए बी पर किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। देखो आ जाओ यहां पर से, पहले जो दिया हुआ है लाइन, इसको क्या करो आप, x+4=3y को इधर ले आओ, +3y, ठीक है ना। तो यहां x+4 इसको नीचे ले आओगे 3 को, तो यहां हो जाएगा। अब क्या करो, y को पहले लिख लो, x/3 अब +4/3 सेपरेट कर दिए, तो इसको और सेपरेट करो। जो x का कोफिशियंट होता है वो क्या देता है, स्लोप देता है, तो स्लोप कितना हो गया 1/3, जो लाइन दिया था उसका हमने स्लोप निकाल लिया, ठीक है ना। अब लेट मान लो यहां पर से हमने क्या माना, क्यू क्या है, इमेज ऑफ पी, तो यहां लिखो इमेज ऑफ पी 1, 2=q(α, β), ठीक है। और एफ क्या है, फुट, और यहां लिखिए कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, कितना माना हमने एफ, x, y मान लिया, ठीक है ना। अब यहां पर से देखो, ये जो है पी एफ परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर, पी एफ परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पर। मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए एफ पी एफ इन टू स्लोप ऑफ ए बी क्या देता है, बोलो। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट क्या देगा, -1, यहाँ -1 लिखो। स्लोप ऑफ पी एफ पता नहीं है तो इसको एम दीजिए, ना स्लोप ऑफ ए बी, क्योंकि ये जो लाइन दिया हुआ है इसका लाइन का नाम दे दो यहाँ ए बी, ठीक है ना। इसका स्लोप क्या निकाले, 1/3, तो यहाँ लिखिए 1/3 = -1, एम इज कॉस्ट टू कितना, 3 से मल्टीप्लाई करो इधर से, तो -3 एम निकल गया। तो इक्वेशन ऑफ पी एफ क्या होगा, किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहां लिखो इक्वेशन ऑफ पी एफ क्या हो जाएगा, बोलो ना, y-y1 = m(x-x1। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि पी एफ किसी एक पॉइंट से पता, एक पॉइंट से पास कर रहा है, किसे 1, 2 से, ये 4 नहीं है जी, ये 1 है 1, 2 से, और स्लोप हम पता कर चुके हैं, तो y-y1 = m(x-x1) ये हो जाएगा x1, y1। यहाँ पुट करो तो y-2=m, m का वैल्यू -3 × x-x1 कितना हो जाएगा, 1, मल्टीप्लाई करो -3x+3, सबको उठा करके इधर ले आओगे तो 3x + y-2 = 3 इधर आएगा, -3 = 0, तो 3x + y-5 = 0, तो यहाँ 3x + y = 5। अब देखो यहाँ जो लाइन दिया हुआ है ये, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक 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 क्या किया, इसको थोड़ा हम एक लाइन और लिख देते हैं, x-3y = -4, इसका नाम दे दिया 1, ठीक है ना। अब देखो ये एक यहाँ है एक लाइन, और दूसरा लाइन यहाँ है, ठीक है ना। अभी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलेगा। तो आ जाओ यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट क्या है आपके पास x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू कितना माइनस फोर, सेकेंड क्या है आपके पास थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव, इसको थ्री से या इसको वन से कट दीजिए तो यह रहा थ्री एक्स माइनस नाइन वाई इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ भी माइनस ही होगा, ये कैंसिल आउट, तो माइनस नाइन वाई माइनस वाई तो माइनस टेन वाई, यहाँ माइनस ट्वेल्व अब यहाँ माइनस फाइव, तो माइनस कितना इधर से सेवनटीन कट गया, तो y का वैल्यू कितना निकला, y बराबर 17 बाई 10 लिख सकते हैं, सही है आ जाओ, तो y इज इक्वल टू हमने यहाँ निकाला 17 बाई 10, y का वैल्यू पता चल गया, तो चलो पुट y इज इक्वल टू 17 बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है x माइनस थ्री वाई, तो x तो सही है अपनी जगह माइनस थ्री वाई, वाई की जगह 17 बाई 10 इक्वल्स टू कितना है माइनस फोर, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51 अपॉन कितना 10 माइनस फोर, एक्स इक्वल्स टू कितना इसको उस साइड ले जाओगे तो 51 बाई 10 और माइनस फोर 51 है, एक्स इक्वल्स टू 10 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 51 माइनस 40 यहाँ कितना हो जाएगा 11 बाई 10, एक्स और वाई निकला और ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोलो या कोऑर्डिनेट ऑफ फुट बोलो, तो यहां पर तो सीधे लिखेंगे क्या कोऑर्डिनेट ऑफ फुट, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट इक्वल्स टू कितना 11 बाय 10 कॉमा कितना 17 बाय 10 निकल गया, किसका कोऑर्डिनेट निकला एफ का, कितना निकला बोलो बोलो 11 बाय 10 और कॉमा 17 बाय 10 निकल गया, अभी निकल गया तो ये देखो फट से निकल जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे चलते हैं, आ जाओ बच्चों पॉइंट एफ निकल गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा एफ क्या होगा पी आर क्यू का मिड पॉइंट है, यहाँ क्या लिखेंगे एफ इज द क्या मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, ठीक है, तो मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस कितना x2 बाई 2 यही होता है ना, तो x क्या हो जाएगा 11 बाई 10 यहाँ रखो 11 बाई 10, x1 कितना हो जाएगा 1 ये हो जाएगा x2, तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 ये 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो 5 11 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, तो 11 बाई 5 माइनस इवन को इधर ले आओ माइनस 1 बराबर अल्फा, 5 एलसीएम लो तो 11 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना अल्फा, यहाँ कितना हो जाएगा 6 बाई 5 इक्वल्स टू कितना अल्फा, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन 5 निकला, चलो अल्फा पता है, अब चलो फिर से y का क्या फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बाई 2, तो y y के जगह पर 17 बाई 10 ठीक है ना, y1 कितना 2 और y2 कितना बीटा बाई 2, इसको कैंसिल आउट कर दो 5 टाइम में, तो 17 बाई 5 इक्वल्स टू कितना 2 प्लस कितना बीटा, इसको इधर ले आओगे तो 17 अपॉन 5 माइनस 2 इक्वल्स टू बीटा, अब यहाँ 5 एलसीएम ले लोगे तो 17 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इधर से बीटा, इसको माइनस करोगे तो 7 बाई 5 इक्वल्स टू कितना बीटा, तो बीटा का वैल्यू निकला कितना 7 बाई 5, तो अल्फा बीटा पता है और यही अल्फा बीटा क्या है आपका इमेज है, यहां पर से क्या लिखेंगे हेंस इमेज ऑफ पी, किसका इमेज पी ए का इमेज निकालना था ना, लिखो इमेज ऑफ पी इज इक्वल टू कितना क्यू अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 6 बाई 5 और बीटा का वैल्यू 7 बाई 5, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं।